भारत का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता, चाहे मौर्यों का युग रहा हो या गुप्तों का। भारत सदा से ही महान रहा, जिसके पीछे इसका समृद्ध इतिहास रहा है। इसके इतिहास के पीछे अनेक कथा कथानक के साथ साथ आंदोलन और संघर्ष की कहानी सुनने को मिलती है। आइए जानते हैं भारतीय इतिहास की ऐसी ही कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों को उखाड़ने की पहली कोशिश। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी नामक जगह पर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराउज दौल्ला के बीच हुआ। इस युद्ध के पीछे बहुत से कारण थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: काल कोठरी कांड, कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार जमाने का प्रयास, सिराउज दौल्ला व्लादर ब्रिटिश हुकूमत न स्वीकार करना। ये लड़ाई स्वतंत्रता की दिशा में एक चिंगारी थी। 1957 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और तात्कालिक कारण थे। इस क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में रोटी और कमल को चुना गया। इस क्रांति में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि महान व्यक्तियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस क्रांति के समय बहादुर शाह जफर द्वितीय को राष्ट्र का राजा घोषित कर दिया गया। वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था। वहीं 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों का विरोध जताने के लिए बंगाल के लोगों के साथ साथ सभी देशवासियों ने भी विदेशी सामान की होली जलाई और ऐसी कोई वस्तु या सेवा ग्रहण करने से मना कर दिया जो कि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। इसी कारण इसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। सहारनपुर से लखनऊ जा रही खजाने से भरी रेलगाड़ी को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य ने 9 अगस्त 1925 को लूट लिया। लूट के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भारतीयों का धन था तथा इस गाड़ी में अंग्रेज हथियार छिपाकर ले जा रहे थे। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन की अगुवाई की गई, जिसका उद्देश्य था गैर कानूनी प्रक्रिया को बंद करना, और स्वराज की मांग के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह की अगुवाई की, इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 गणमान्य व्यक्तियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक मार्च किया और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। इस सत्याग्रह के पीछे का कारण था सरकारी कानूनों का शिथिलीकरण और नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को देना। इसके बाद आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का गठन भारत को शस्त्रों के माध्यम से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन राज बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया था, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से अंग्रेजों पर सशस्त्र हमला किया। इसी अभियान के तहत सुभाष जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। भारत की स्वतंत्रता में आजाद हिंद फौज का विशेष हाथ था। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।